अस्सलाम वालेकुम किड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? ठीक है? सो किड्स, टुडे और टॉपिक इज़ एक्टिविटी। सो एक्टिविटी में जो है वो बहुत ही खूबसूरत सा वर्क है। सो हमने करना क्या है, टिक द लेटर दैट प्रोड्यूस द साउंड ऑफ ओ। हमने क्या करना है, हमने उस लेटर को टिक करना है जो ओ की साउंड दे। सो यहाँ पर हमें जो है वो बहुत ही खूबसूरत से अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। सो अल्फ़ाबेट में अगर हम देखें सो यहाँ पर डिफरेंट स्पेलिंग्स हैं। सो इनमें जो है वो साउंड हम देखेंगे कि कौन सी साउंड देती है, देन हमने क्या करना है, साउंड ओ को टिक करना है। सो इन फर्स्ट दिस इज़ लेटर ओ, साउंड ओ। सो ये लेटर ओ साउंड ओ है, सो हम क्या करेंगे, इसे टिक करेंगे, बिकॉज हमने क्या करना है, लेटर ओ साउंड ओ को ही टिक करना है। द नेक्स्ट यहाँ पर मेरे पास जो लेटर है यह है लेटर के साउंड क, लेटर के साउंड क, इसे टिक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी साउंड क क है, ओ नहीं है। द नेक्स्ट इज दिस इज लेटर ओ, दिस इज लेटर एफ साउंड फ, दिस इज लेटर एफ साउंड फ, ये लेटर एफ साउंड फ है, सो हम इसे टिक नहीं करेंगे बिकॉज इसकी साउंड ओ नहीं है। देन नेक्स्ट इज दिस इज लेटर ओ साउंड ओ, सो हम क्या कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं लेटर ओ साउंड ओ को, सो हम इसे टिक करेंगे। देन नेक्स्ट इज दिस इज लेटर पी साउंड प, दिस इज लेटर पी साउंड प, सो ये लेटर पी साउंड प है, सो हम इसे टिक नहीं करेंगे बिकॉज इसकी साउंड ओ नहीं है। देन नेक्स्ट इज लेटर ओ साउंड ओ, तो हम इसे टिक करेंगे बिकॉज हम लेटर ओ साउंड ओ को ही ढूंढ रहे हैं। द नेक्स्ट इज लेटर एच साउंड ह, लेटर एच साउंड ह, दिस इज लेटर एच साउंड ह, हम इसे टिक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो बिगनिंग साउंड है वो ओ नहीं है। द नेक्स्ट इज लेटर ए साउंड ए, लेटर ए साउंड ए, ये लेटर ए साउंड ए है और हम इसे भी टिक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी बिगनिंग साउंड जो है वो ओ नहीं है। द नेक्स्ट इज लेटर ओ साउंड ओ, लेटर ओ साउंड ओ, सो हम इसे क्या करेंगे, टिक करेंगे बिकॉज हम लेटर ओ को ही फाइंड कर रहे हैं। द नेक्स्ट इज लेटर ओ साउंड ओ, लेटर ओ साउंड ओ, हम इसको भी टिक करेंगे बिकॉज हम लेटर ओ को ही फाइंड कर रहे हैं। द नेक्स्ट इज दिस इज लेटर एम साउंड म, लेटर एम साउंड म, सो लेटर एम साउंड म की जो साउंड है वो हम उसे टिक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी बिगनिंग साउंड जो है वो ओ नहीं है। द नेक्स्ट इज लेटर ओ साउंड ओ, लेटर ओ साउंड ओ, हम इसे टिक करेंगे बिकॉज हम लेटर ओ को ही फाइंड कर रहे हैं। द नेक्स्ट इज लेटर जी साउंड ग, लेटर जी साउंड ग, हम इसे टिक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी बिगनिंग साउंड जो है वो ग है, ओ नहीं है। इन मिडल अगर हम ओ के मिडल में देखें सो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट जो लेटर है ये है लेटर डब्ल्यू साउंड, लेटर डब्ल्यू साउंड, सो इसकी भी ओ साउंड नहीं है। द नेक्स्ट जो है हमारे पास है लेटर जेड साउंड, लेटर जेड साउंड, सो हम भी इसे सर्कल या टिक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो बिगनिंग साउंड है वो ज है, ओ नहीं है। द नेक्स्ट इज लेटर एन साउंड न, लेटर एन साउंड न, सो हम इसे भी टिक नहीं करेंगे। द नेक्स्ट इज यहाँ पर मेरे पास है लेटर सी साउंड ख, लेटर सी साउंड ख, सो मैं इसे टिक नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो बिगनिंग साउंड है वो ओ नहीं है। द नेक्स्ट इज लेटर एस साउंड, लेटर एस साउंड, सो मैं इसे भी टिक नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि इसकी भी जो बिगनिंग साउंड है वो ओ नहीं है। इन मिडल दिस इज लेटर ओ साउंड ओ, लेटर ओ साउंड ओ, तो ये लेटर ओ साउंड ओ है, मैं इसे टिक करूँगी। क्यों? क्योंकि हम लेटर ओ साउंड ओ को ही फाइंड कर रहे हैं। सो किड्स, आज हमने एक्टिविटी की बहुत ही खूबसूरत सी, आपने भी क्या करना है, इसी तरह एक खूबसूरत सी एक्टिविटी को कंप्लीट करना है अपनी कॉपी पर, अपनी बुक पर, या फिर आप इसे कर सकते हैं अपने घर एक टेबल पर चार्ट की हेल्प से, जिस तरह मैंने की। सो किड्स, आपने भी इसी तरह इस वर्क को कंप्लीट करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।